पहुंच गई कलकत्ता? नहीं, अभी यही हूं, अनूप के बारे में सोच रही हूं। उसके बारे में क्या सोचना? वो हमें यहां मिला है, आप ही कहते हैं ना, यहां अच्छी आत्माएं आती हैं। हाँ, जिनके दिल में अपनापन होता है वही तीर्थ की जमीन पर कदम रखते हैं। ठीक है हेमलता, लेकिन तो अनूप अच्छी आत्मा नहीं हो सकता? अच्छे बुरे की बात नहीं है हेमलता, जो गुजर गया बस सपना हो गया, बस। तो जो गुजर गया है उसे सपना मानते क्यों नहीं है? क्या मतलब? अग्रोहा की धरती पर हम अपने दायरे में बनकर किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे। हम यहां भगवान से अपने बुरे कर्मों की क्षमा मांगने आए हैं, तो अनूप को हम क्षमा क्यों नहीं कर सकते? मैं आपके लिए बेसन का ऑमलेट बना देती हूं। तुमने ससुराल में भी इस तरह किचन संभाला था? संभालना चाहा था, लेकिन जेठानी जी को पसंद नहीं आया। जैसे जिद करके मुझे काम करने से रोक दिया, क्या अरुणा को भी कभी रोका था क्या? मैं उन पर जबरदस्ती क्यों करती? बेटा, कुछ बातों में जबरदस्ती भी आपसी प्यार को बढ़ावा देती है। वहां प्यार नहीं, नफरत बढ़ती थी। दूसरे हमेशा गलत तो नहीं होते? तो मैं ही गलत हूं बस। बेटे, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, यही दिलों में जगह बना लेती है। जानती हो, तुम्हारी मम्मी मेरे नहाने के लिए पानी गर्म करके रखती थी, मुझे चाय नाश्ता बनाकर देती थी, इतना ही नहीं मेरे जूतों में लेस भी फिट करके दे देती थी। ये सब बहुत बड़ी बातें नहीं है, मगर जब वो तुम्हें छोटा सा छोड़कर चल बसी तो इन्हीं बातों में मुझे उनकी बहुत याद आती थी। दरअसल मुझे तुम्हारी मम्मी की आदत पड़ गई थी। ससुराल में किसी को अपनी आदत डाली? किसी ने कभी कुछ कहा ही नहीं। ये सब कहने की नहीं, करने की बातें होती। आज तुम यहां हो, अगर तुमने अपने काम से अपनी तरफ खींचा होता तो यकीनन आज उन्हें तुम्हारी कमी महसूस हो रही होती। मेरी कमी तो उन्हें अब भी महसूस हो रही है। ऐसा कुछ करके आई हो क्या? किया तो नहीं है, मगर मुझे बुलाने के लिए बहाने जरूर ढूंढ रहे होंगे वो लोग। वो तो रिश्तेदारी की वजह से ना। रिश्तेदारी की वजह से नहीं पापा, कमजोरी की वजह से। कमजोरी? हाँ, क्योंकि वंश बढ़ाने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है उनके खानदान में। मैं ही हूं जो उनके खानदान को आगे बढ़ा सकती हूँ, इसलिए हर हाल में मुझे बुलाना चाहेंगे वो लोग। और देखिएगा, एक दिन मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे वो लोग, क्योंकि अरुणा उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकती। सीमा बेटा, तुम फिर वही बातें। आप टेबल पर बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ। तुम्हारी मर्जी।